लेकिन एक बात तो हो जाती है, यहाँ पे आते ही और इनको दिखाते ही पता चल जाता है कि हम मथुरा के रमन रीति आश्रम पे हैं। तो मेरी सवारियाँ भी पूरा लगभग घूम चुकी है, केवल यही आश्रम बचा हुआ है, इसके बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। अपना एक नया दिन और एक नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। और दोस्तों घर में भाई भीड़ भाड़ बढ़ गई है, आपको रात को मैंने दिखाया था, हमारी चंचल आ गई है, हमारा देवता भी आ गया है, चंचल का बेटा। और भाई सुबह 4 बजे से जगा हुआ है, पूरे घर में हंगामा मचा हुआ है। हमारे घर में पहले से ही बहुत सदस्य है, और 2 बढ़ गए, अभी 3 और बढ़ेंगे। हमारी छोटी सिस्टर तुलसी, उसके 2 बच्चे आने वाले हैं। असली हंगामा तो तुलसी के बच्चे आने के बाद होता है भाई। पीयूष और दीसु और मंकू और अंजलि, इन 3 चारों की ऐसी जोड़ी बनती है कि घर को सर पे उठा देते हैं। मुझे बहुत डर लगता है ऐसे माहौल से। फिलहाल अभी चंचल आई है, शायद तुलसी तो उसी दिन आएगी, रक्षाबंधन वाले वाले दिन। अपन निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए, अपना दिन शुरू करते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। वैसे भी सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलिए जल्दी निकल जाते हैं यहाँ से। लो भाई आ गए अपने जंगे मैदान में, मथुरा जंक्शन गेट नंबर 3। हो जाइए शुरू। हाँ तो भाई लगभग 1 महीने बाद कोई घुमाने की सवारी मिली है, मैं आया हुआ हूँ द्वारकाधीश मंदिर, कंस किला और बिसरा घाट घुमाने के लिए। मेरे पीछे आपको जो दिख रही हैं ये यमुना जी हैं। यमुना जी का प्रकोप पिछले कुछ दिनों में इतना ज़्यादा रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका जो बाहर की तरफ है, सारा का सारा यमुना जी के पानी में डूबा हुआ था। अभी जल स्तर कम हो गया, और इतना कम हो गया है कि नीचे तक जहाँ पुराने पहले चला करती थी वहीं पर वापस आ गई। पुराने से मतलब जो यमुना जी का घटा हुआ जल स्तर के बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई है उस जगह पे, वरना सदियों पहले वाले स्थान तक पहुंच गई थी यमुना जी, घरों तक मकान तक पानी भरा हुआ था। अभी ऐसा हुआ था कि सोमवार का दिन है, सबको अंदाज़ा रहता है कि काम हल्का रहेगा, तो मुझे भी अंदाज़ा था कि आज काम हल्का रहेगा। तो भाई सोमवार को जैसा होता है वैसा ही स्टेशन पे काम करने के लिए आए थे, पहले एक हाईवे का चक्कर लगाया, उसके बाद में एक कचहरी का चक्कर लगाया, कचहरी से वापस जा रहा था तभी एक होटल के बाहर 3 सवारियाँ मुझे मिल गई जो कि सूरत गुजरात से हैं। इन्होंने मुझे हाथ दिया, मैं रुक गया, मुझसे बात हुई कि भैया कहाँ कहाँ घुमा सकते हो, तो मैंने पूछा आपको कहाँ कहाँ घूमना है, तो उनके पास एक लिस्ट बनी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि गोकुल जाना है, गोकुल के बाद रमन रीति आश्रम जाना है, रमन रीति आश्रम के बाद जाना है उनको 84 खंभा मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, कंस किला और जन्मभूमि, तो ये सारा घुमाना है मेरे को। तो मैंने उनसे बोला कि पहले मथुरा की जगहें करते हैं, जैसे कंस किला है, द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है और जन्मभूमि, क्योंकि ये मंदिर 12 बजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद में शाम को 4 बजे दोबारा खुलते हैं, और गोकुल जो है पूरा दिन खुला रहता है। तो मैंने इनसे कहा कि पहले आप मथुरा के कर लीजिए, उसके बाद में गोकुल चलेंगे घूमने के लिए। तो भाई इन लोगों को मेरा आइडिया अच्छा लगा, तो पहले इनको मैं लाया हूँ कंस किले पर। कंस किला एक ऐसी जगह है, यहाँ से द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट और कंस किला 3 जगह एक ही जगह से हो जाती है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है और ना ही पैदल चलना पड़ता है। तो भाई इनको मैं कंस किले पर ला के मैंने छोड़ दिया, ये गए घूमने के लिए। अपन यहाँ झूले पे झूला झूल रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। पीछे यमुना जी का आपको नज़ारा दिख ही रहा होगा, यमुना जी का पानी कितना कम हुआ इसका भी अंदाज़ा हो रहा होगा। चलिए जब तक झूला झूलते हैं वो घूम के आएंगे, उनसे मिलाएंगे जब आ जाएंगे जब, फिलहाल तो झूले का एंजॉय करते हैं। सावन का महीना है, झूलने का मौका मिले तो क्यों छोड़ो यार।
सुबह 10 बजे लेके इन सवारियों को लेके निकला था। राधे राधे जी, राधे राधे। तो भाई इनको मैंने पहले तो कराया कंस किला, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट, उसके बाद में ले गया जन्मभूमि, जन्मभूमि से गोकुल, और गोकुल से 84 खम्मा कराने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं रमन रीति आश्रम, जो कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। तो सोचा आप लोगों से मिलवा देता हूँ। सर कहाँ से हैं आप लोग? सूरत गुजरात। तो भाई सूरत गुजरात से हैं। फैमिली है पूरी? अच्छा बेटी नहीं है अभी साथ में? अच्छा ये पुत्र है आपके? क्या नाम है आपका भाई? सुजल। सुजल नाम है। वैसे भी गुजरातियों के ऐसे ही नाम होते हैं, हमारे यहाँ थोड़े से लड़ाकू टाइप के होते हैं। चलिए तो मजा आया घूम के? कैसा लगा हमारा मथुरा आपको? अच्छा है? फर्स्ट टाइम था? पहले भी आ चुके हैं घूमने के लिए? पहले बहुत बार आ गए, 10 बार। चलिए पहले भी घूम चुके हैं तो नया एक्सपीरियंस तो मैं बोल नहीं सकता कि पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर भी घुमाना हमारा पूरा हो चुका है। अब लास्ट बचा है रमन रीति आश्रम, उसके बाद इनके होटल पे ड्रॉप कर देंगे और अपना दिन खत्म। ये जो रमन रीति पे हिरण वगैरह हैं, थोड़ा सा चिड़ियाघर टाइप बना रखा है, पता नहीं कितनी बार मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन एक बात तो हो जाती है यहाँ पे आते ही और इनको दिखाते ही पता चल जाता है कि हम मथुरा के रमन रीति आश्रम पे हैं। तो मेरी सवारियाँ भी पूरा लगभग घूम चुकी हैं, केवल यही आश्रम बचा हुआ है, इसके बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा। लगभग सुबह 10 बजे मैंने उठाया था भाई, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये लोग मुझे इतना लेट करवा देंगे, पूरा का पूरा दिन भुला दिया यार। किसी भी मंदिर पर ले जाऊँ इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं जितना नॉर्मल टाइम लगता है उससे डबल। मुझे लग रहा था 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, लेकिन भाई साहब ने 5 बजा दिए, मेरे को 4 ऑलरेडी बज चुके हैं और यहाँ के बाद हमको जाना है अब घर, तो 5 बजे तक फ्री होऊंगा यार। चलिए गाड़ी निकालते हैं, पीछे की तरफ खड़े हो जाते हैं पार्किंग साइड में। यहाँ पे जो भाई साहब घूम रहे हैं रमन रीति आश्रम के सिक्योरिटी वाले, वो 18 गाड़ी को ले जाओ यहाँ से, आज पीछे जाके शांति में खड़े होते हैं। वैसे भी हमारे मित्र सुमित भाई आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, उनको कोई सवारी मिल गई है रमन रीति, तो वो भी यही आ रहा है, उन्हीं के पास बैठ के टाइम पास करेंगे जब तक पहुँचते साइड में। अभी अभी मैं आप लोगों से बोल रहा था कि हमारे सुमित भाई आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी, कुछ देर बातें होंगी। और भाई देखिए हमारे सुमित भाई आए थे अभी अभी, ये रहे पीछे जो गाड़ी खड़ी है सुमित भाई की है। और सुमित भाई के आते ही हमारी जो सवारियां जो रमन रीति घूमने के लिए गई थी उनकी कॉल आ गई है कि भैया हमारे दर्शन हो गए अब लेके चलो। 2 सेकंड भी बातें नहीं होने दी यार। चलो कोई बात नहीं सुमित भाई, कल मिलेंगे, आज तो तुम भी नहीं आओगे अब और हम भी नहीं आएंगे, हमारा पूरा दिन खा गए यही लोग। चलिए भाई, शाम के टाइम में भी ठीक ठाक भीड़ हो जाती है रमन रीति आश्रम पे, सुबह तो रहती है शाम को भी हो जाती है। देखिए कितना सारा टूरिस्ट आता है यहाँ रमन रीति आश्रम घूमने के लिए, ये भी आई हैं। 5:30-6 बजे मैं घर आ गया था, क्योंकि आप सबको पता ही है सारा दिन मैंने सवारी घुमाई थी, लगभग 10 बजे के करीब में मैंने उनको उनके होटल से उठाया था। और जब मेरी बात हुई थी ना उनसे, जितना जगह उन्होंने घूमने की बात की थी मेरे को, जहाँ जहाँ मैंने घुमाया था, तो मुझे अंदाजा ऐसा था कि मैं लगभग 1:30-2 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, लेकिन शाम के 5 बज जाएंगे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जो सवारी लेके गया था भाई उन्होंने एक एक मंदिर में इतना टाइम लगाया कि 5:15 बजा दी, ना तो खाना मिला, सारा दिन आज मुझे खाना नहीं मिला भाई। सुबह मैं 2 पराठे खा के गया था, एक चाय पी के गया था और एक बिस्कुट की पैकेट पार्ले जी की, जो कि मैं रोज़ाना लगभग करके जाता हूँ, क्योंकि हमारा काम ऐसा ही है कब कहाँ फंस जाएंगे कोई पता नहीं होता, और आज वही हो गया था। तो उनको घुमाया पूरा दिन, उनको घुमाने के बाद उनके होटल पे छोड़ा 5 बजे और 5:30 बजे मैं घर आ गया था। तब से लेके अब तक मैं केवल कमर लंबी करने में पड़ा हुआ था, ये स्थिति हो जाती है भाई किसी एक जगह पे सारा दिन बैठा रहो तो कमर तो दुख ही जाती है। अब आप लोगों में से कुछ लोग पूछेंगे कि भाई बैठे क्यों रहते हो,
जब सवारी घूमने जाती थोड़ा टहल भी सकते हो। हाँ थोड़ा बहुत टहल लेता हूँ, लेकिन आपको पता ही है मेरा एक पैर नहीं है तो इस वजह से ज़्यादा टहल नहीं पाता। थोड़ी देर में ही जो एक पैर है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वापस आके मुझे गाड़ी में बैठना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, तो बैठे बैठे हो जाते हैं बहुत परेशान। मैं आके घर में भी कुछ कर सकता था, लेकिन भाई मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तब से लेके अब तक पड़ा हुआ हूँ। अब खाना पीना खा के तब जाके थोड़ा सा शरीर में जान आई है, एक तो पूरे दिन का भूखा था, ऊपर से सवारियों ने इतना टाइम लगाया कि दिमाग ख़राब। तो भाई दिन तो अच्छा हो गया क्योंकि घुमाने की सवारी मिल गई थी, और कल का भी दिन लगभग अच्छा हो ही जाएगा कि जिनको आज घुमाया था वो कल वृंदावन घूमने के लिए जाएंगे और बोल रहे हैं कि भैया मैं पूरे दिन में आराम से करना है, तो सुबह जाएंगे शाम को ही वापस आएंगे, तो कल का भी दिन मेरा ऐसा ही जाने वाला है अगर सब कुछ जैसा सोचा है वैसा ही रहा तो। बाकी बंसीवाला जाने, फिलहाल खाना पीना हो चुका है, थोड़ा जल्दी खाना खा लिया था, अंजलि ने मेरे लिए 7 बजे खाना बना दिया था, तो खाना पीना खा के सबसे फ्री हूँ। अभी 9 बजने को है तो टाइम है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। और यार चैनल चेक कर रहा था मैं भाई, बड़ा दुख होता है यार ये देख के कि लगभग 81% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो केवल 19%। तो यार जो लोग सब्सक्राइब करके बैठे भाई वीडियो तो देखा करो, इतना क्यों नाराज होते हो, और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई के लिए। चलिए कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।